और आपको एक खास बात बता दें, इसमें जो है पानी निकासी की कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि पानी निकाल लिया जाए। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आलू की बुवाई जो है अगैती में की गई थी, मतलब बहुत जल्द। देख लीजिएगा, जिस खेत में अगैती आलू की बुवाई हुई थी उस खेत का व्यू आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आराम से ऐसे से आप लोग पूरा जो है खेत का व्यू दिखाएंगे आप लोगों को, पूरे खेत का, कि पूरे खेत में। पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, देखो ये पानी भरा ना, ये आप लोगों को कल मैंने वीडियो दिया था आलू बुवाई का, उस खेत का है। ये आप लोग देख लो भाई, ये देख लो आप लोग, और ये देख लो, इस समय हम पानी में ही चल रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हो पूरे खेत में, ये आप लोगों को मैं पूरा खेत दिखा रहा हूँ एक बार। 5 बीघे का खेत है और पूरे खेत का हाल क्या है आप लोग कैमरे के माध्यम से बराबर देख पा रहे हो। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये शिवरामू के महमूदपुर खास में एक किसान भाई ने अगैती आलू की खेती की है, उसका हाल बारिश के बाद। ये देख लीजिएगा, ये देखो, ये देखो, पूरे खेत में आलू के पल पल में पानी भरा हुआ है अच्छी तरीके से, मतलब देखो पूरा पैर डूब जा रहा है, मतलब ये देखो। मतलब एक तरीका का पूरा खेत भर गया। और चलिए वीडियो में जानते हैं पूरा डिटेल के साथ। नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आप लोगों को हमने जो है 5 सितंबर को एक वीडियो दिया था जिसमें कि आप लोगों को आलू की बुवाई दिखाई थी, और आज 6 सितंबर 2024 है और इस आलू की बुवाई 1 सितंबर को हुई थी और वीडियो मैंने 5 सितंबर को बना पाया था, मतलब जानकारी जब मिली थी तब। और अभी आप लोग देख पा रहे हैं अंजाम क्या है, दिखाइए भैया कैमरामैन से कहेंगे, थोड़ा आहिस्ते से ज़रूर दिखाइए। ये जो है अगैती आलू करने का ये क्या अंजाम निकला है, हर जगह पे पानी आप लोग देख पा रहे हो भरा हुआ है। और आपको एक खास बात बता दें, इसमें जो है पानी निकासी की कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि पानी निकाल लिया जाए। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आलू की बुवाई जो है अगैती में की गई थी, मतलब बहुत जल्दबाजी में, उसका अंजाम आप लोगों को दिख रहा है। हालांकि अभी आप लोगों के सामने आपको डिस्प्ले पर साफ साफ नजर आ रहा होगा कितना पानी भरा है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही दिख रहा होगा। दूसरी बात, ऊपर से बरसात अभी थमी नहीं है, बरसात और होने के लिए तैयारी बना रही है। अभी फिलहाल में हमें समय जब मौजूद है तब यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है, मतलब दूसरी बात अगर और भी बारिश होती है तो इस खेत में हमें नुकसान देखने को जरूर मिल सकता और भी। अभी तो फिलहाल में पानी भरा हुआ है अच्छी खासे से, आप लोग देख पा रहे पूरा, आपको जितना दिखाने का प्रयास भैया जितना दिखा पाओ उतना दिखाओ, क्योंकि पूरे में पानी पानी भरा हुआ है। और पानी ऐसा है एकदम, ये सिर्फ 1 घंटे की बारिश है, 1 घंटा ओनली, 1 घंटा भी नहीं पूरा हुआ था, 1 घंटे ओनली बारिश हुई थी। और ये अंजाम आप लोग देख पा रहे हो अभी, जो आप लोगों को मैंने कल 5 सितंबर को, सॉरी माफ कीजिएगा, वीडियो दिया था, वही उसी खेत का हाल है जो कि 5 बीघा का है। इस खेत के आसपास आलू निकासी, मतलब सॉरी माफ कीजिए, पानी निकासी का कोई जगह नहीं है। अब आपको अपने लोकेशन के बारे में बताएं, मेरा लोकेशन इस समय उत्तर प्रदेश के शिवरामऊ के महमूदपुर खास का है, जहां पर एक किसान भाई ने अगैती आलू की खेती कर दी थी। अगैती आलू की खेती इसलिए की थी कि सबसे पहले हमारा आलू मंडी में जाएगा, ताकि हमारा नाम होगा और कोई भी पुरस्कार मिलेगा तो हमें मिलेगा। दूसरी बात, पिछली कई साल में किसानों को अगैती फसल करके अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला था, इसी को देखते हुए फरखाबाद के एक किसान ने आलू की बिजाई जल्दी की थी, उसका भी हाल कुछ इसी तरीके से है, उसमें इसी तरीके से पानी भरा हुआ है और इसमें भी इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। अब इससे नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा, वो कि आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखा दूंगा। अभी फिलहाल में आपको यही अपडेट करना था। आप लोग एकदम से घबरा जाते हो, आप लोग एकदम से परेशान होते हो, अपना आपा खो बैठते हो, तो आप लोगों को अपना आपा एकदम से नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अभी जो है पूरा सितंबर तक आलू का जो है ना, पूरा सितंबर तक अभी बारिश दिखा रहा है, तो आपको इतनी जल्दी आलू की बुवाई मौसम को देखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि मौसम इस समय बारिश का चल रहा है।
अभी आप लोग खेत का हाल देख ही पा रहे हो, पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। तो अभी आपके क्षेत्र में आज बारिश हुई या नहीं हुई, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपको एक खेत का वीडियो और दिया था जो कि सिर्फ 2-2.5 बीघे का था, उस खेत में भी क्या कुछ हुआ है, कैसा चल रहा है, आप लोगों को दूसरी वीडियो में उस खेत के बारे में भी दिखाएंगे। और इस खेत के बारे में तो आपको मैं बराबर कंटिन्यू दिखाता रहूँगा जब तक ये आलू तैयार नहीं हो जाएगा या निकल के मंडी में नहीं पहुँच जाएगा। तब तक इसका रिजल्ट क्या आता है अगेती आलू बुवाई का, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू दिखाता रहूँगा। और अभी फ़िलहाल में आप लोग देख पा रहे हो फिर से बारिश आ चुका है। इस तो अभी फ़िलहाल में हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हालांकि बारिश इतना हुआ आपका पूरे छिबरामऊ में और पूरे फरखाबाद में, मतलब फरखाबाद के काफ़ी हिस्सों में बारिश हुई है, कहीं ना हुई अलग बात है। तो ये मान के चलिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अपनी बाइक खड़ी करनी पड़ी, 3 किलोमीटर तक मुझे पैदल आना पड़ा, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है। मतलब बारिश आप लोगों को दिख रहा है, बारिश थोड़ा भी हो जाए लेकिन रोड पे खेतों में आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, भैया थोड़ा दिखाइए, सही से दिखाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है दिखाना। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये पानी आपको पूरा का पूरा भरा दिखाई दे रहा है कंटिन्यू, तो जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक पानी भरा है। और इधर से भैया, इधर से थोड़ा इधर दिखाइए, ऐसे ऐसे करके दिखाइए, इधर भैया आराम से इधर दिखाइए, ये लंबा वाला, ये वाला, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भी पानी भरा हुआ है और पूरे खेत में है, बल्कि जो है पूरे 5 बीघा के खेत में पानी भर गया है और ऊपर से अभी भी बरसात बंद नहीं हुई है। अब आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसान साथियों, अभी रात हो चुकी है और बरसात अभी सिर्फ 1 घंटे हुई है। बरसात का आलम कुछ इस प्रकार है कि पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। ये देख सकते हो आप लोग, और पानी निकलने का कहीं रास्ता भी नहीं है इसका, देखो। मतलब ज़्यादा ही बारिश हो गई। और ये वाला आलू का खेत जो है, इन किसान भाई ने ना 1 सितंबर को आलू बोया था, 5 सितंबर को हमने वीडियो बनाई थी 2024 में और आप लोगों को दी थी, तो आप लोगों को झूठ लग रहा था। अब तो आप इसको सच मान सकते हैं, 6 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, 6 तारीख को बारिश के बाद ये हाल हो गया है। अच्छा, एक खेत का और दिखाया है, वो खेत आप लोगों को दूसरी वीडियो में दिखा पाएंगे, तब तक आप लोग ये हाल देख लीजिएगा। मतलब रात होती जा रही है और 5 किलोमीटर दूर गांव से है, 3 किलोमीटर दूर मेरी गाड़ी खड़ी है।